आज मैं बना रही हूँ तोरी की सब्जी। और तोरी को मैंने अच्छे से धो लिया है, मैं इसको छील रही हूँ। और इसको छीले बहुत अच्छे ध्यान से, क्योंकि टूट जाती है बीच बीच में से, तो बहुत हल्के हाथ से इसको छीलना होता है। तोरी को मैंने छील लिया है, अब मैं उसको काट रही हूँ। और काटने से पहले भी मैंने एक बार उसको धो लिया है तोरी को, क्योंकि थोड़ी चिपचिपी सी थी इसलिए। और मैं हमेशा सब्जी को पहले काटने से पहले मैं उसको धो लेती हूँ। हींग, तीखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, कुछ किसे हो गया था। अभी मैं डाल देती हूँ प्याज, प्याज मेरे भून गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँ। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डालेंगे। हल्दी, इसमें डाल दूँ टमाटर, जो मैंने दो टमाटर काट रखे थे, हरी मिर्च है। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक कि टमाटर जल्दी गल जाए। मैं डाल दिया, और इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर। और सब्जी मसाला देखती हूँ, बस और कुछ नहीं। सब्जी अच्छी चाहिए, तो भी मैं डाल दी इसमें कसूरी मेथी। इसको अच्छे से, टमाटर जो अच्छे से पक जाए, मसाला अच्छे से भुन जाए, तेल छोड़ने लग जाए, तो उसके बाद मैं सब्जी डालूंगी इसमें। और जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुनना चाहिए, तभी सब्जी का स्वाद बढ़ता है। तो मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है, ये पक गया है, इसमें तेल छोड़ना शुरू कर दिया, देख सकते हो आप। इसमें मैं डाल दूंगी,
अरे मैंने छोड़ा नहीं था, थोड़ी थोड़ी देर में मैं चलाती रही इसको, ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया इसको। तो मैं तोरी डाल रही हूँ इसमें, और तोरी जो है तोरी में बिल्कुल भी मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, तोरी पानी अपना खुद ही बनाएगी, तो तोरी में मैं पानी नहीं डाल रही, बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसाले के साथ। तो बस अब इसमें लगा रही हूँ मैं ढक्कन, मैंने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला है। बस आँच गैस को थोड़ा तेज कर दूंगी, बिल्कुल सिम पे थी, क्योंकि अब इसमें एक सीटी आके थोड़ा कम कर, गैस को बिल्कुल सिम पे कर दूंगी, उसके बाद एक सीटी और लगाऊंगी। तो अभी सीटी निकल चुकी है, तो मैं दिखाती हूँ, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला, देख लो, और 2 सीटी में बन के तैयार है। तो इस सब्जी में बिल्कुल भी पानी मत डालना आप लोग, ऐसे ही बनाना, बहुत टेस्टी बनती है। अगर आप तोरी की सब्जी आपको पसंद नहीं है तो इस तरीके से जरूर बनाना आप लोग।